देखते रहिए आपका अपना केटीलाई न्यूज। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आपका अपना केटीलाई न्यूज। आज केटीलाई न्यूज के जरिए हम बात कराने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ता हरेंद्र शर्मा जी से, जो आम आदमी पार्टी से मोदी नगर से नगर पालिका का चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और काफ़ी मेहनत के साथ जो आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और अभी ये प्रचार कर कर दिल्ली से आ रहे हैं। ये काफ़ी इन्होंने मेहनत की है दिल्ली में, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर यह शर्मा जी जो यहाँ वहाँ प्रचार करने के क्या कारण रहा। तो शर्मा जी आप बताइए कि आप दिल्ली जो प्रचार करने गए आपको कैसा लगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है अच्छे विचारों के साथ, और इन्हीं विचारों में आप पार्टी में आया भी था। पार्टी का काम आप देख रहे हैं, गरीब लोगों को बेरोजगार को रोजगार की कोशिश की जा रही है, बसें फ्री हो गई महिलाओं के लिए, पानी फ्री है और बिजली का बिल लगभग जीरो आ रहा है, मूलभूत सुविधा जो होती है सीधी जनता को जो है फायदा मिल रहा है। तो जो जैसे कि केजरीवाल जी को शाहीन बाग से जोड़कर देखा गया और उन्हें एक आतंकवादी की संख्या दी गई, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ, शाहीन बाग में केजरीवाल का मतलब क्या है? कानून और दराज लेकर बीजेपी, उसमें मतलब बीजेपी सुलझाए, हम क्या सुलझाएंगे, हमारी सरकार क्या सुलझाएगी बताइए। मैं तो चैनल के माध्यम से कहता हूँ ये बातें, शाहीन बाग का मतलब गृह मंत्री जी जाए, मोदी जी जाए, संबित पात्रा जी जो उनके प्रवक्ता वो जाए। तो जो ये शाहीन बाग का मुद्दा जोर शोर से मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया, तो केजरीवाल जी पर या आम आदमी पार्टी पर इसका कहां प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसके बारे में बताएं कुछ? देखो ये तो भाजपा का फंडा है हिंदू मुस्लिम कराना, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होगा, दिल्ली के लोग बड़े समझदार है, बड़े बुद्धिजीवी लोग है, वहां पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ना। दिल्ली में जिस प्रकार पहले सरकार आई लगभग उस प्रकार आएगी, वहां की थोड़ा बहुत सत्ता का विरोध होता है, एक दूसरे कम बढ़ती हो सकती है, परंतु ये निश्चित है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ निश्चित तौर पर केजरीवाल की सरकार बनेगी। जैसे कि हमारे दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो भाजपा के कार्यकर्ता और सभी लोग यहाँ तक कि कुछ मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार में लगाए, और एक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपने कब्जा जमाए हुए है, और अभी तक आप लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हैं वो आपके भी उतने ही हैं, सारे भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो प्रचार प्रसार करना तो पार्टी का अपना परम कर्तव्य है, जहाँ तक योगी जी की बात है, योगी जी दिल्ली गए, मैं कहता हूँ योगी जी आप 200 मिनट फिर यूपी में करें ना, आप क्या लेकर गए वहां? कोई ऐसा काम दिल्ली में मैंने बताने के लिए कोई फंडा नहीं है, केवल शाहीन बाग और इनके पास कुछ है ही नहीं। तो जो अब आप जो इलेक्शन जो हो रहे हैं दिल्ली में इलेक्शन है, तो उसमें आप जो आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, जो सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें आप आम आदमी को कितना प्रतिशत कितना वोट देना चाहेंगे, कितनी सीटों पर विजय घोषित करना चाहेंगे? भैया जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं लगातार 8 दिन मार रहा हूँ, दिन रात मैंने एक किया है, कोई पार्टी के टक्कर में है ही नहीं वहां, तो आप पार्टी की निश्चित सरकार बनेगी, निश्चित सरकार बनेगी। तो जो जनता से आप मिले तो आपको वहां जनता का रुझान कैसा लगा और आपके साथ जो व्यवहार किया गया वो कैसा लगा आपने? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आप तो कह रहे हैं कि कैसा व्यवहार लगा, तो पूरे विश्व को पता है शिक्षा में क्या हमने किया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या हम करने जा रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि कैमरे नहीं लगे, और मैं कहता हूँ मैं चैलेंज करता हूँ कैमरे में दिखा दूंगा, कोई भी भाजपा कोई भी व्यक्ति आए, इसमें कोई बहस की बात नहीं है, ना हो तो मैदान छोड़ दें। आपका कहना यह है कि कुल मिला के जो दिल्ली में केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर लड़ रही है, तो ये जातिवाद बिरादरीवाद सभी को छोड़कर विकास के मुद्दे को आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता आगे बढ़ चढ़ कर जिसे प्रचार प्रसार में ला रहे हैं, तो इसमें जो आम आदमी पार्टी की जीत को आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? केवल अच्छे कार्य को। मैं ये बता देना चाहता हूँ भाई साहब, मैं दिल्ली में घूमा धूम घूमा क्या, आप लोगों को पता हो, सबको पता है
जो जो कार्य पहली बार 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल कार्य के नाम पर वोट मांगे जा रही है। कोई भी नेता कोई भी रिकॉर्ड आप मुझे बता दे कि क्या कभी कार्य के नाम पर वोट मांगे है। गारंटी कार्ड के साथ वोट मांगे जा रही है और आगे भी गारंटी कार्ड देने के लिए हम तैयार है, रिपोर्ट कार्ड हमने दिया। ऐसा कोई भी काम किसी भी व्यक्ति ने किया हो, अमरिंदर सिंह आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, योगी जी गए, एक भी काम बता दो ऐसा। तो हम तो मेरे काम पर वोट मांग रहे हैं, काम पर जनता वोट देगी, ठीक है, नहीं देगी फिर भी काम करेंगे। जैसे यदि केजरीवाल जी को केजरुद्दीन नाम, जिसने भी दिया हो केजरुद्दीन नाम दिया, उसे आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, हमारे देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये बीजेपी है, इसका सही अर्थ तो बड़ी झूठी पार्टी, सच्चाई तो ये है, पर देखो अपने पार्टी का अपना अपना तरीका है, ये केवल देश को बांटने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते, इनके पास और कुछ नहीं रहा है। तो जो आम आदमी पार्टी का अगर जातिगत आधार पर देखें तो किस बिरादरी का, किस जाति का वोट ज्यादा आम आदमी को मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो सब बिरादरी का वोट मिल रहा है। हमारी पार्टी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम, हमारे तो सब पार्टी, हम सब वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं और हर वर्ग का वोट हमें मिल रहा है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, कुछ नहीं, वहां तो केवल विकास के नाम पर वोट मिल रहा। और देखो सीधी सी बात है, सीधा जनता को फायदा हुआ है, वहां ऐसा कोई कार्य नहीं कि कोई योजना वो आएगी, बसों में फ्री जा रहे हैं सीधा, पानी घर पे मिल रहा सीधा, देखो हॉस्पिटल में घर के बाहर ही मोहल्ला क्लिनिक है, जाकर देखो, और क्या चाहिए, ये मूलभूत सुविधा, शिक्षा देखो आप। दिल्ली में तो ऐसा हुआ है, मुझे भी पता चला है अभी एक सभा में, कि बीजेपी के मंत्रियों ने ही किसी नेता ने ही अपने लड़कों सरकारी स्कूल में एडमिट करा है। तो जो ये मीडिया में चल रहा है, ये आप बता रहे हैं कि एडमिट कराया, तो अच्छी बात है, यूपी में भी इस तरीके से होना चाहिए। तो आप जो दिल्ली में कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में दिल्ली वालों से कुछ कहना चाहेंगे, देशवासियों कुछ कहना चाहेंगे, अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, कुछ बताइए। बस संदेश यही है, आप लोग सब समझदार है, आप पार्टी को वोट करें, आप पार्टी को अच्छी तरह जिताए, जितने जीतने सो अच्छी तरह जिताए। और मैं तो आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप मेरी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं। हम ना तो सीए के विरोधी है, ना हम किस चीज के विरोधी, पर जो फंडा बोल रहे हैं वो तो उसे समझाए ना, साइन बाग का मुद्दा तो नहीं, मुद्दा नहीं भैया। ये थे हमारे हरेंद्र शर्मा जी, जुड़े रहिए।